बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर सीट पर जोरदार टक्कर देखने को मिली है। बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर से बराबरी पर चल रही है सपा भाजपा। यह टक्कर उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा की, सपा और भाजपा दोनों तीन तीन सीटों पर। यह टक्कर है मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर सीट पर जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। पल पल की जानकारी डीटीवी भारत आपको दे रहा है। हमारे सहयोगी लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम अन्य जनपदों से जुड़कर पल पल की जानकारी दे रहे हैं। सपा और भाजपा दोनों तीन तीन सीटों पर टक्कर। आपको बता दें ये रुझान है अब तक के, और इन रुझानों की अगर बात करें, गौर इसमें हम लोग गौर फरमाए तो इसमें आप देख सकते हैं पांच राज्यों की मतगणना में चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी लहर से आगे बढ़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंजाब में पीछे। और इसी के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है पंजाब में, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से पीछे हो गए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रदीप सावंत भी पीछे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सुनामी साफ देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलती दिख रही है, लेकिन ये तीसरी शक्ति आम आदमी पार्टी पीछे, शून्य अब तक खाता नहीं खोल सकी उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी, लेकिन पंजाब में सरकार बनती दिख रही है आम आदमी पार्टी की। आपको बता दें रुझानों में पंजाब में आप आगे, प्रकाश सिंह बादल लांबी सीट से पीछे। पंजाब की जानकारी दे रहे हैं आपको, प्रकाश सिंह बादल लांबी से पीछे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से पीछे, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि पल पल की जानकारी हम दे रहे हैं आपको, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सुनामी साफ देखने को चल रही है, साफ देखने को मिल रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है, सीएम चन्नी दोनों सीटों पर पीछे आ गए हैं, और भगवत मान जो है वो आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार रहे। आपकी सरकार बनती पंजाब में इस वक्त के रुझान में साफ दिख रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पीछे दूर दूर तक कोई नहीं, सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी 236 प्लस सीट लेकर। एसपी यानी समाजवादी पार्टी, जिसके प्रमुख अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया सरकार पर, चुनाव आयोग को पत्र लिखा कि माइक्रोवेव टेलीकास्टिंग हो मतगणना की, लेकिन सपा पीछे। सपा के कार्यकर्ता कई मतगणना स्थलों पर डटे रहे बीते दो दिन से, लेकिन उसका भी असर अब देखने को नहीं मिल रहा है। यह प्रजातंत्र का चुनाव जिसमें जनता मालिक है, जनता ने अपने वोट डाल दिए हैं, जनता ने भाग्य का फैसला कर दिया है, धीरे धीरे पिटारे खुल रहे हैं और ये रुझान सामने आ रहे हैं जो कि डीटीवी भारत अब तक सबसे पहले रख रहा है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत। एक बार फिर से, क्या योगी राज कायम होने वाला है उत्तर प्रदेश में? क्या बीजेपी की सरकार यूपी में बनने वाली है? क्योंकि अगर रुझानों की तरफ गौर फरमाएंगे, अगर देखेंगे, नजर डालेंगे तो पांच में से चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत साफ दिख रही है, लेकिन पंजाब में बीजेपी पीछे, सबसे पीछे, तीसरे नंबर की पार्टी। और अब आपको बता दें, ये जानकारी पल पल की हम आपको दे रहे हैं, पंजाब में कृषि मंत्री काकरणदीप सिंह पीछे हो चुके हैं,